हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है देखते रहिए सीखते रहिए यूट्यूब चैनल में। गाइज, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आप ये कैसे पता कर सकते हैं आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। गाइज, ये पता करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है गाइज, लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर एक ऐसे ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आप ये पता कर सकते हैं आपके बैंक अकाउंट में आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। तो गाइज, ये पता करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा, आपको एक लिंक मिलेगा, आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। अगर आप लिंक पर क्लिक करना नहीं चाहते हैं तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कीजिए UIDAI। और गाइज, मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देना चाहूँगा, आप ये कन्फर्म नहीं हो सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में ये आप नहीं देख सकते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है। गैज, सिर्फ आपको अंदाज़ा लगाना होगा कि OTP किस मोबाइल में आए हैं। आपके घर में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, बहुत सारे सिम हो सकते हैं, बहुत सारे मोबाइल हो सकते हैं, जैसे कि आपके आपके मम्मी का, आपके पापा का, आपके भाई का, आपके बहन का। तो जितने भी आपके घर में मोबाइल है, सभी मोबाइल में आप चेक कीजिए कि किस मोबाइल में आपको OTP आया है। जिस मोबाइल में आपको OTP आया है, आप समझ लीजिए मेरा आधार कार्ड का नंबर इस मोबाइल नंबर के साथ लिंक है। जहाँ भी आपको OTP आ जाते हैं, जिस मोबाइल में भी आपको OTP आ जाते हैं, आप समझ लीजिए वही मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड के साथ लिंक है। गाइज, आप यहाँ पर ये कन्फर्म 100% कन्फर्म नहीं हो सकते हैं। अगर आपके घर में बहुत सारे मोबाइल हैं बट किसी भी मोबाइल में OTP नहीं आया है, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। और मैं आपको एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा, अगर आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं होगा तो पहले आपको बता देगा कि योर मोबाइल नंबर इज नॉट रजिस्टर्ड विथ आधार, कुछ ऐसा ही मैसेज आता है, बट मुझे पता नहीं, कुछ ऐसा ही मैसेज आएगा रेड कलर का कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक नहीं है। तो आप उसे जल्द ही किसी आधार सेंटर पर जाके, जैसे कि अब तो आधार कार्ड का काम बैंक में होती है, तो आप किसी भी बैंक में जाके आप ये पता कर सकते हैं कि मोबाइल नंबर लिंक होता है कि नहीं। अगर उस बैंक में मोबाइल नंबर लिंक होते हैं आधार कार्ड के साथ, तो आप उसे बोलिएगा कि सर मेरे आधार कार्ड के साथ मेरा मोबाइल नंबर लिंक कर दीजिए, वो बहुत ही जल्दी आपके आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक कर देगा। तो गाइज, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अभी तक अपने आधार कार्ड को मोबाइल नंबर के साथ कनेक्ट नहीं किए हैं तो आप कनेक्ट करवा लीजिएगा, आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो गाइज, चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ आप ये कैसे पता कर सकते हैं आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं लिंक है। अगर लिंक है तो कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना होगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने के बाद आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अगर आप लिंक पर क्लिक करना नहीं चाहते हैं, अगर आप फुल डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आप मोबाइल या अपने लैपटॉप में या अपने PC में एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए और आप यहाँ पर टाइप कीजिए UIDAI। आपको इतना ही टाइप करना है और उसके बाद जो है गाइस, आपको एक फर्स्ट वेबसाइट मिल जाएगा, ये वाला UIDAI.gov.in। तो गाइस, आपको इस वेबसाइट पे क्लिक कर देना है, फर्स्ट वाली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है। अगर आप ज़्यादा मेहनत करना नहीं चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको एक लिंक मिलेगा, आप उस लिंक पर क्लिक कीजिए और आप डायरेक्ट आप यहां पर आ जाएंगे। तो गाइस, अब आपको यहां पर कहां पर क्लिक करना है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो गाइस, अगर आप ये पता करना चाहते हैं कि आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, तो सबसे पहले आपको यहां पर क्लिक करना होगा, मैं आधार में आपको क्लिक करना होगा और यहां पर एक ऑप्शन अवेलेबल है जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, आधार डाउनलोड। तो गाइस, आपको आधार डाउनलोड में क्लिक कर देना है। गाइज, उसके बाद जो है कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं आधार नंबर। तो गाइज, आप अपना 12 डिजिट का आधार नंबर यहां पर इंटर कर दीजिए। तो गाइज, जो मेरा आधार नंबर है, उस आधार नंबर को हम यहां पर इंटर कर देते हैं। तो गाइज, आधार नंबर यहां पर इंटर करने के बाद आपको ये एक कैप्चा कोड मिल जाते हैं, तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर इंटर कर देना है, DCB98। तो गाइज, यहाँ पर ये कैप्चा कोड इंटर करने के बाद आपको सेंड OTP में क्लिक कर देना है। जैसे कि आप सेंड OTP में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा और आप लोग देख सकते हैं, और गाइस जैसे आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, वन टाइम पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर। तो गाइस, आप अपना आपके घर में जितने भी मोबाइल अवेलेबल है, जैसे कि आपका हो सकता है, आपके मम्मी का हो सकता है, आपके पापा का हो सकता है, आपके भाई का हो सकता है, आपके सिस्टर का हो सकता है,
तो गाइस जिनके पास जितना भी मोबाइल है आप सभी मोबाइल में चेक कीजिए कि अभी कौन सा OTP आया है आधार की तरफ से, UIDAI के तरफ से कौन सा OTP आया है। जिस मोबाइल में OTP आया होगा आप समझिए कि यही मोबाइल नंबर हमारे इस आधार कार्ड के साथ लिंक है। गाइस पहले क्या होता था ना, पहले यहाँ जो लिखा हुआ है ना, ये वन टाइम पासवर्ड हैज बीन सेंड टू रजिस्टर मोबाइल नंबर, और उसके बाद यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर भी दिखाता था, लास्ट के 4 डिजिट आपको यहाँ पर दिखाई देता था। बट गाइस अब ये सिक्योरिटी के लिए अब ये भी यहाँ से हाइड कर दिया है। पहले यहाँ पर स्टार 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 रहता था पूरा, और लास्ट का 4 डिजिट मोबाइल नंबर आपका यहाँ पर शो होता था, बट अब इसे हटा दिया है आधार वालों ने। तो गाइस अब आपको आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप देखिए कि आपके घर में कौन सा मोबाइल में अभी OTP आया है। जिस मोबाइल में आपको अभी OTP आया है समझ लीजिए कि उसी में आपका ये मोबाइल नंबर लिंक है। ओके, तो OTP आया है तो आप उस OTP को यहाँ पर इंटर कर लीजिए और आप यहाँ पर जो है वेरीफाई एंड डाउनलोड में क्लिक कर दीजिए। सॉरी यहाँ पर मैंने तो OTP टाइप किया ही नहीं, तो यहाँ पर मैं OTP टाइप कर देता हूँ। उसके बाद आपका आधार कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, और आधार कार्ड डाउनलोड होने के साथ साथ आप ये भी पता कर लेंगे कि आपके मोबाइल नंबर में कौन सा, आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर लिंक है, यानी कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो यहाँ पर मैं OTP टाइप कर देता हूँ। OTP सही से टाइप करने के बाद जो है यहाँ पर मैं वेरीफाई एंड डाउनलोड आधार में क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको पासवर्ड पता नहीं है तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको यहाँ पर पासवर्ड बताएं कि आपका पासवर्ड क्या हो सकता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ओके गाइस, तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपका आधार कार्ड भी डाउनलोड हो जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी पता चल जाएगा आपके आधार कार्ड में कौन सा मोबाइल नंबर रजिस्टर है। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप ऐसा ही ऐसा वीडियो और भी देखना चाहते हैं फ्यूचर में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बगल में एक बेल आइकन मिलती है, आप उस बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करने के बाद एक ऑप्शन आते हैं सिलेक्ट ऑल का, तो आप ऑल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। उससे क्या होगा, जब भी हम अपने चैनल पर कोई वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरा वीडियो सबसे पहले देख पाइएगा। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, अपना ध्यान रखिएगा।